इंदौर में कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने दृष्टिहीन बच्चों के साथ होली मनाई। पटवारी ने होली पर दृष्टिहीन बच्चों को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बच्चों के साथ जमकर मस्ती की और रंग गुलाल उड़ाए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीतू पटवारी ने होली की शुभकामनाएं दी और दृष्टिहीन बच्चों के लिए छात्रावास बनाने की भी बात कही। पटवारी ने इंदौर से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी उन्हें मौका दे तो वो इंदौर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ताई से थक चुकी है और बदलाव का वक्त आ गया है। स्कूल बनाना है, छात्रावास बनाना है, तो वो चूंकि बड़ा काम है और मुझे करना चाहिए, मेरा धर्म है, मेरे इंदौर के परिवार के बच्चों के लिए वो तो करूँगा ही। पर ये ब्लॉक का अगर आपने कहा, ये केवल आपने मुझे दी है, ये हमारे भाई ने कैमरामैन रिपोर्टर ने कहा है, 15 दिन में ब्लॉक लग जाएगा। मंत्री जी, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि चिदंबरम और कांग्रेस ने जो हिंदू आतंकवाद का नाम दिया था, आसिम आनंद को जो बरी किया है, तो उनका जो है कहीं ना कहीं, कैलाश विजयवर्गीय जी को होली की शुभकामनाएं। कांग्रेस को चरित्रहीन बताया कैलाश विजयवर्गीय ने, कांग्रेस को चरित्रहीन। होली के दिन उनको खूब धन्यवाद। वो में से नफरत हटे, घृणा हटे, उनसे मेरा अनुरोध है कि उनके बयानों पे जो एक बंटवारे का भाव होता है वो कम हो। उनसे ये भी अनुरोध है कि होली के दिन राजनीति छोड़ दें। तो होली एक ऐसा त्यौहार है जो गिले शिकवे मिटाता है, राजनीति में भी एक नए सकारात्मक रंग, प्रेम के रंग, नफरत रहित रंग देता है। मैं सभी परिवार के लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के नफरत भरे जो उनके विचार आपके माध्यम से मार्केट में आते हैं, समाज में आते हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि नफरत कम करें अगली होली तक, तो भगवान आपका भला करें। आपने आपकी कड़ी मेहनत से सियासी जमीन पे तैयार की है, आपका कोई बिग सपोर्ट नहीं रहा है, लेकिन इन दिनों लोकसभा चुनाव में कई नेता पुत्र भी हैं जो कतार में नजर आ रहे हैं, व्यक्तिगत विचार क्या आपका, क्या कोई काबिलियत होनी चाहिए तभी टिकट मिले? राजनीति हमेशा हावी नजर आती है। राजनीति में जो योग्य होता है, जिताऊ होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप उसको अवसर मिलता है। वो किसी का भी बेटा हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का भतीजा हो सकता है। मैं उन लोगों में से नहीं, किसी का बेटा और किसी का भाई होना लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको रोकती नहीं है। वन दूसरा, मैं समझता हूँ कि इस पूरे सदव्यवहार में मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि लोकसभा का चुनाव सक्रिय राजनीति में काम करने वाले परिवार के बच्चों को, परिवार के बेटों को, महिलाओं को, जिनको अवसर मिले उनको मिलना चाहिए। किसी की पत्नी होना या किसी का भाई होना सिर्फ ये योग्यता मापदंड नहीं करती है, पर उसका अधिकार है, वो जनता तय करेगी। जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मेरा प्रश्न है, मैं चुनाव पार्टी कहेगी तो लड़ना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं इंदौर में इस बार कांग्रेस की सीट ये मिले, इसके लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ, मेरा धर्म भी है। और जनता भी ताई से थक चुकी है, उनको हराना चाहती है, उनसे उनको अब घर पर सेवा करते हुए उनका सम्मान करना चाहती है। तो इस नाते मैं चाहता हूँ कि मुझे अवसर मिले, पार्टी दे तो मैं आगे तैयारी करूँ। 100% क्यों नहीं लड़ूँगा, मेरी इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ सांसद बने। देश की इतने साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद को अवसर मिला, तो इस नाते अब कांग्रेस को 35 साल लगातार कितने लोगों के पास ताई का मोबाइल नंबर है, कितने लोग ताई से मिल पाते हैं, कितने लोगों के पास ताई किसके घर गई हो, किसी के मौत मैयत समारोह में गई हो, आप 35 साल एक बहुत बड़ी, अभी 15-20 कॉलोनियों के नाम बता दूँ और पूछूँ ताई कहाँ है तो वो भी शायद नहीं बता पाएगी। तो मेरा अनुरोध ये नहीं है कि इससे मैं उनका अपमान, हमारी सम्मानित है, इतने साल तक अगर उनको अवसर मिला है तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने और हमारे शहर की जनता ने अच्छा देखा होगा, मैं उसको चुनौती नहीं देता हूँ। पर जरूरी ये है कि अब बदलाव का वक्त है, बदलाव का। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ताई का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो परिदृश्य है उसको बता रहा हूँ। मैंने विरोध नहीं किया, ताई हमारी सम्मानित है भाई, इंदौर का गौरव है, पर उनका जो आज की परिस्थिति है इस शहर के लिए वो मैं बता रहा हूँ। अब क्या जीतू पटवारी वो चेहरा है जो 30 साल का सूखा खत्म कर सकता है? जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, इंदौर का बेटा है और जीतू पटवारी विनम्रता से हाथ जोड़कर, पैर छूकर,
इंदौर शहर की, जब तक अंतिम सांस रहेगी शहर हमारे अपने ज़िले की और शहर की सेवा करेगा, जब तक मेरे में जीवित रहूँगा तब तक करने की कोशिश करूँ, ईमानदारी से करूँ, जब तक शरीर काम देगा। पर आज वक्त है बदलाव का, बदलना चाहिए, भले भारतीय जनता पार्टी टिकट बदले पर बदलाव जरूरी है। ये अति 78-80 साल के हमारी ताई, हम फिर भी उनसे काम करवाएं, क्या ये अच्छे संस्कार है? नहीं है। तो अगर पार्टी मुझे अवसर देगी तो मैं तैयार हूँ, मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। लोकसभा चुनाव की तारीखें तय होते ही बीजेपी कांग्रेस में टिकट की दावेदारी शुरू हो गई है। कमलनाथ सरकार में मंत्री जीतू पटवारी ने सांसद सुमित्रा महाजन के बहाने पार्टी के समक्ष इंदौर से लोकसभा टिकट के लिए अपना दावा भी पेश कर दिया है। अब पार्टी आलाकमान पटवारी के बयान पर कितना गौर फरमाती है ये तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।